नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश हॉट सीट पर। हॉट सीट में हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की उन हाई प्रोफाइल सीटों पर चर्चा करेंगे जिन पर पूरे देश और प्रदेश की नजरें टिकी हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के हाई प्रोफाइल सीट बिल्हा विधानसभा की। यहां की राजनीति पर अगर नजर डालें तो वो पिछले ढाई दशक से भाजपा के दिग्गज नेता धरमलाल कौशिक और कांग्रेस नेता सियाराम कौशिक के इर्द गिर्द घूमती नजर आई है। यहां से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र शुक्ला ने कांग्रेस के टिकट वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रत्याशी बदलने की भी मांग की थी, जिस पर पार्टी ने कोई विचार नहीं किया। आइए दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। बिल्हा विधानसभा सीट बिलासपुर जिले के तहत आती है, लेकिन प्रदेश का हाईकोर्ट बिलासपुर में होने की वजह से इसे न्यायधानी भी कहा जाता है। इसी बिलासपुर जिले की एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है बिल्हा। राजनीति में रुचि रखने वाले सभी लोगों की नजरें इस बिल्हा सीट पर लगी हुई है, क्योंकि यहां से चुनावी मैदान में उतरे धरमलाल कौशिक भाजपा के दिग्गज नेता हैं। वर्तमान विधायक धरमलाल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के करीबी भी माने जाते हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी के पहले खांटी समर्थकों में रहे और अब कांग्रेस में शामिल होने के बाद सियाराम कौशिक चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। दोनों कौशिक के बीच चलती आ रही राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता के चलते छत्तीसगढ़ में बिल्हा विधानसभा प्रदेश में अपना विशेष दखल रखता है। इस बार बिल्हा विधानसभा सीट पर प्रदेश भर के भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल के नेताओं की निगाहें टिकी हुई हैं। विधायक रहते हुए धरमलाल कौशिक विधानसभा अध्यक्ष, दो बार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता सियाराम कौशिक अजीत जोगी के राइट हैंड रहे होने के चलते बड़ी जिम्मेदारियों का केंद्र रहे हैं। लेकिन बिल्हा विधानसभा सीट से एक तासीर ये भी है कि यहां की जनता दोनों दल कांग्रेस और भाजपा को बराबर मौका देती है। यहां भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही राज किया है। साल 1998 में अविभाजित मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पहली बार यहां से धरमलाल कौशिक ने बीजेपी का झंडा बुलंद किया, लेकिन 2003 में वो अपनी सीट बचाने में नाकाम रहे। उन्हें कांग्रेस के सियाराम कौशिक ने मात दी। फिर 2008 में धरमलाल कौशिक ने सियाराम कौशिक से बिल्हा सीट वापस ले ली। इसके बाद 2013 में एक बार फिर कांग्रेस ने सियाराम कौशिक पर भरोसा जताया और वो विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक को हराने में सफल हुए। लेकिन बीते 2018 के चुनाव में फिर नए समीकरण बन गए। कांग्रेस का दामन छोड़कर विधायक रहते हुए सियाराम कौशिक ने अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे को ज्वाइन किया और बिल्हा सीट से चुनाव मैदान में उतरे। ऐसे में कांग्रेस ने राजेंद्र शुक्ला को अपना प्रत्याशी बनाया। इस त्रिकोणीय महामुकाबले में भाजपा के धरमलाल कौशिक एक बार फिर कांग्रेस और जोगी कांग्रेस को शिकस्त देने में कामयाब हो गए। बीजेपी के धरमलाल कौशिक को 84,431 वोट मिले तो कांग्रेस के राजेंद्र शुक्ला को 57,907 वोट मिले, जबकि पूर्व विधायक व जोगी कांग्रेस प्रत्याशी सियाराम कौशिक करीब 31,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। हालांकि इस जीत के बाद भी धरमलाल कौशिक को जीत की सही खुशी नहीं मिल पाई। वजह थी प्रदेश में भाजपा की करारी हार होना, क्योंकि तब धरमलाल कौशिक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। हालांकि इसके बाद भी धरमलाल कौशिक को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिली। धरमलाल कौशिक ने बतौर नेता प्रतिपक्ष मोर्चा संभाला और विधानसभा में भाजपा विधायकों का नेतृत्व किया, लेकिन पार्टी ने उनसे जिम्मेदारी एक साल पहले ही वापस लेकर जांजगीर विधायक नारायण चंदेल को सौंप दी। वहीं सियाराम कौशिक स्वर्गीय अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे से इस्तीफा देकर अब वापस कांग्रेस में आ गए हैं, जिन्हें कांग्रेस ने 2023 के चुनाव में बिल्हा से फिर चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा ने भी यहां से धरमलाल कौशिक पर भरोसा बरकरार रखा है। एक बार फिर बिल्हा में कौशिक वर्सेस कौशिक की फाइट देखने को मिलेगी। दोनों ही कौशिक इस बार अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी के रूप में धरमलाल कौशिक विकास को लेकर वर्तमान कांग्रेस सरकार पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, साथ ही वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाते हैं। क्या विषय रहा है शुरुआत के दिनों में बिल्हा के सपने को, बिल्हा में विकास को गढ़ने को लेकर कितना पूरा कर पाए हैं, और आने वाले दिनों पर आप फिर से मैदान में है तो क्या सपना होगा बिल्हा का? देखिए, कांग्रेस के 50 साल की सरकार रही,
केंद्र में और प्रदेश में और बिल्हा में भी मंत्री रहे, यहाँ लगातार विधायक रहे कांग्रेस के, लेकिन 50 साल के कार्यकाल में 50 किलोमीटर की सड़कें कांग्रेस सरकार नहीं बना सकी। ये पीड़ा क्षेत्र के लोगों की रही, ये पीड़ा हमारी रही, और इसलिए हमने एक खाका खींचा कि यदि हमें अवसर मिलता है तो हम बिल्हा का क्या करेंगे। और उस दृष्टिकोण से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सड़कों की जहाँ बात करते हैं तो उस समय केवल जो बिल्हा के नाम से सड़कें हैं तो नया पारा से एयरपोर्ट बिल्हा मोड़ से लेकर के उमरिया 6-7 किलोमीटर, इतने ही कुल डामरीकरण की सड़कें थी। आज पूरे क्षेत्र में चले जाएंगे, एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां डामरीकरण के पक्की सड़कें नहीं है, सब जगह हमने पक्की सड़कें बनवाई हैं। सिंचाई के क्षेत्र में हमारे यहाँ बहुत कम, केवल पंप के ऊपर आधारित, लेकिन जब विधानसभा अध्यक्ष बने डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो हमने अरपा भैंसाझार प्रोजेक्ट, जो पुराना सर्वे हुआ था, शिलान्यास हुआ था, ये हमने उसको नए सिरे से हाथ में उठाया और लगभग 550 करोड़ रुपए की योजना के उस समय काम की शुरुआत हुई। एकाध साल में पूर्णता की ओर है, 67,000 एकड़ जमीन की सिंचाई होगी, 67,000 एकड़ ये जमीन की सिंचाई होगी। तीसरी बात, अंग्रेज यहाँ पर रहे 1947 के पहले और उसके बाद में देश आजाद हुआ, कांग्रेस की सरकार रही, और कांग्रेस की सरकार होने के बाद में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति, जितना वो लोग स्कूल बनवाए थे, चाहे वो कांग्रेस शासन में हो चाहे उसके पहले के शासन में हो, हमने उससे ज़्यादा स्कूल हम क्षेत्र में बनवाए, कॉलेज हमने बनवाए, हॉस्टल्स बनवाए हमने, और उसके साथ में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय, मॉडल स्कूल, और इस प्रकार से हमने एक नए शिक्षा के क्षेत्र में उसको सोपान को गढ़ने का काम हम लोग किया है। जी, आपने हर क्षेत्रों में काम किया और लंबे समय से आप इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अब क्या काम ऐसा रह गया जो पूरा नहीं हो पाया, जिसको लेकर के आप 23 से 28 की सौधी में पूरे करने का सपना देख रहे हैं? देखिए, अरपा भैंसाझार अभी बचा हुआ है, हम जब जिस दिन उसको हम पूरा करा लेंगे और पहले फेज के बाद में हम ये देखेंगे क्या हम रेलवे लाइन पार करा करके हम बरतोरी साइड में पानी दे सकते हैं, नंबर वन। दूसरी बात, हमारे पथरिया बैराज है, मनियारी बैराज है, ये हमारा कांग्रेस के सरकार में अपूर्ण है, बीजेपी की सरकार में हम शुरू किए थे, इस अपूर्ण है, जो पूरा करेंगे तो लगभग 10,000 एकड़ की सिंचाई होगी। हमारे क्षेत्र में जो टार बांध बने हुए हैं, जो बाकी बांधे हैं, उसमें हम छोटे छोटे कैनाल निकाल करके हम उसको कहीं 400 एकड़ का, कहीं 500 एकड़ का, कहीं 600 एकड़ का, ये हम सिंचाई के लिए आगे करेंगे। हमने सामूहिक नल जल योजना केंद्र सरकार के द्वारा आधारित मतकों में एक लगभग 34 गाँव का उसमें होगा, स्वीकृत हो गया है, टेंडर लगभग हो गया है। हमारा जो मंगला में एक हमने जो दिया था 14 गांव लगभग, उससे होता सामूहिक जल योजना कि लोगों को घर तक पानी पीने की व्यवस्था हम कराएंगे। वहीं दूसरी ओर बिल्हा की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहने वाले और यहां की राजनीति में खासा दखल रखने वाले कांग्रेस प्रत्याशी सियाराम कौशिक कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कहते हैं। बिल्हा विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने एक बार फिर से सियाराम कौशिक को टिकट दे करके विधानसभा सीट पर आजमाया है। हालांकि हाल ही में जोगी जनता कांग्रेस पार्टी से सियाराम कौशिक कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किए हैं। सीधे तौर पर उनसे जानते हैं कि बिल्हा विधानसभा की इस हॉट सीट पर उनका मुकाबला किनसे होगा और क्या आपका इस चुनाव में मुद्दा होगा। देखिए, हमारा मुद्दा यही है कि छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी का सरकार है और उन्होंने जो छत्तीसगढ़ के जनता के ऊपर, किसानों के ऊपर जिस तरह से उनकी योजनाओं से लाभ दिलाया है, उस योजनाओं के लाभ को लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं कि आपका 25 रुपए क्विंटल धान खरीदने की बात कहते कहते वो आज 2800 रुपए क्विंटल, 300 रुपए क्विंटल बढ़ोतरी कर दिया। इससे अच्छा मुख्यमंत्री और कौन हो सकता है? वो 15 क्विंटल से बढ़ा के 20 क्विंटल धान खरीदने वाला मुख्यमंत्री बन गया, इससे अच्छा अवसर कौन सा है? तो आज कर्जा माफी के उन्होंने चापा में घोषणा कर दी कि किसानों का जो भी कर्जा होगा हम पूरा माफ कर देंगे। तो किसानों के जो पेट में अन्न जो बन रहा है, अन्न के दाता कहते हैं किसानों को, तो अन्न दाता किसानों के साथ में अगर भूपेश बघेल जी न्याय दे रहे हैं,
उनके साथ अन्याय नहीं करे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल तक अन्याय किया, मैं 2 बार विधायक था उसके कार्यकाल में, लेकिन हर बार झूठ तो बोलते आए। यहाँ के भारत देश के प्रधानमंत्री ने बार बार झूठ बोलते आए, 15-15 लाख रुपया देवो, विदेश से धन ला के तुमको देवो। आज उनको 10वां पंचवर्षीय समाप्त होने वाला है, दो पंचवर्षीय का मुख्य प्रधानमंत्री है, वो विदेश में किसके पास धन है उसको क्यों नहीं खोजा? आप कह रहे थे मुझे वोट ना दें, पर भूपेश बघेल के चेहरे के पर वोट दें, क्या है? निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ में अगर चेहरा है, तो भूपेश बघेल का चेहरा है। मुझे मत दो, लेकिन भूपेश बघेल के जिताने के लिए एक वोट तो दो। लेकिन बिल्हा विधानसभा सीट आप पर भरोसा जताते रही है, आपको विश्वास कम हो रहा है क्या कार्यकर्ताओं पर कि मुझे ना वोट दो, आप भूपेश बघेल के नाम पर वोट दो? कहीं सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं? यहाँ पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है, लोगों के बीच में इसी विचारधारा है कि हम लोगों के संगठन में कमजोरी है, वहाँ पंचायत कमजोर है। तो मैं बोला भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि भूपेश बघेल तो हमारा सबसे बड़ा चेहरा है, मुझे जिताओगे तो एक वोट भूपेश बघेल को जाएगा, ये मैंने कहा है। वहीं 2 राज्य में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी अब छत्तीसगढ़ में भी अपनी जमीन तलाश रही है। आपने बिल्हा से जसबीर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के प्रत्याशी दिल्ली और पंजाब मॉडल का उदाहरण देते हुए कांग्रेस भाजपा दोनों पर नाकामी का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जिस तरह दिल्ली और पंजाब में जनता ने आशीर्वाद दिया, उस तरह बिल्हा विधानसभा में भी जनता भर भर कौम को वोट देगी। तंग आ गई है जनता पिछले 25 साल से। हमने कल ही एक मजाक देखा कि वो एक ही हैं, सियाराम जी और धर्म जी, पिछले 25 साल से उन दोनों ने बारियां बांधी हुई हैं, एक बार तेरी बारी एक बार मेरी बारी, और डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ बिल्हा विधानसभा में। तो जान गए हैं जनता कि गंगाधर ही शक्तिमान है, तो दोनों एक ही हैं अंदर से, और दोनों को इस बारी आराम करवाना है। तो गंगाधर कौन है और वो शक्तिमान कौन है आपके लिए? बारियां मुकाबला दोनों बारियां बदल रहे हैं, बारी तोड़ दारी है ना, ऐसी बस बारी मान रहे। बेसिकली देखिए, मतलब ऑन द सीरियस नोट, बिल्हा विधानसभा 35 किलोमीटर नेशनल हाईवे को टच करता है, पर कोई भी ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है कि लोगों को उसको सुविधा मिले, टाइम से बसें आ जाएं, लोग निकल सकें। 3-3, 4-4 इंडस्ट्रियल एरिया है, सिरगिट्टी, तिफरा, सिलपहरी, दगोरी, पर कोई एम्प्लॉयमेंट का ऐसा कोई तरीका नहीं है कि लोगों को ट्रेनिंग मिल जाए, लोगों को रोजगार मिले। शिक्षा तो ध्वस्त है, पूरे छत्तीसगढ़ में ही है। स्वास्थ्य सेवाएं लचर हैं, वो पूरे छत्तीसगढ़ में ही है। तो अगर आपको 75 साल गिनना हो आज़ादी का, तो कोई डेवलपमेंट नहीं है, पीने का पानी अभी तक घर में नहीं पहुंचा, और बाकी 23 साल का छत्तीसगढ़ जवान हो गया है, पर ये दोनों बारियां करते रहे। मेरी विधानसभा की मैं अगर बात करूं तो जनता उकता गई है, और इस बार तीसरे विकल्प को मौका देगी, और हम जनता की सेवा करेंगे, उनके लिए उपलब्ध रहेंगे हर समय। इसके अलावा छत्तीसगढ़ियावाद और क्षेत्रीय विकास के मुद्दों को लेकर पूर्व विधायक दिलीप लहरिया की बहू भी स्वर्गीय अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे से चुनावी मैदान में है। बिल्हा विधानसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस के अलावा JCCJ और आम आदमी पार्टी का जनसंपर्क जोरों से चल रहा है, लिहाजा बिल्हा का राजनीतिक समीकरण हर रोज बदलते जा रहा है। देखना होगा कि 2023 के इस दिलचस्प चुनाव में आखिर कौशिक वर्सेस कौशिक की लड़ाई में किस कौशिक को या फिर और किसी को बिल्हा की जनता का आशीर्वाद मिलता है। संदीप करिहार, INS 24/7 न्यूज। और इसके साथ हॉट सीट में बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।